शादी के मंडप में भले ही 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई जाती हों, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कई बार शादी के कुछ दिनों बाद ही रिश्ते टूटने लगते हैं। परिवार परामर्श केंद्र में हर दिन ऐसे रिश्तों का सुलह कराने का प्रयास किया जाता है। पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद की अलग अलग वजह होती हैं। बीते 6 माह में लगभग 230 प्रकरण परिवार परामर्श केंद्र पहुंचे, जिनमें से 200 प्रकरणों को यहां मौजूद काउंसलर राखी खरे और सलमा खान द्वारा दोनों परिवार के बीच काउंसलिंग कराकर समझौता कराया गया। पति पत्नी के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन बन रहा है। इसके ज़्यादा उपयोग के चलते एक दूसरे पर शक तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस पर धीरे धीरे तनाव की स्थिति बन जाती है और पति पत्नी के बीच दरार बन जाती है। परिवार परामर्श केंद्र में घरेलू हिंसा के भी प्रकरण पहुंचते रहते हैं, जिनमें दोनों परिवारों के बीच काउंसलरों द्वारा बातचीत कराकर समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें बात नहीं बन पाती और दहेज का सामान भी वापस कराना पड़ता है। हमारे यहाँ जो केस आते हैं उसमें ज़्यादातर तो लोग जो आवेदन आती हैं वो दहेज प्रताड़ना को लेकर के आती हैं, और आजकल तो माया पुरुष की भी मतलब रेशियो 40-60 का चल रहा है, पुरुष वर्ग भी हमारे यहाँ आवेदन दे रहे हैं, लेकिन जो दहेज प्रताड़ना वाली जो हम लोग जब मतलब जब उसकी जाँच की जाती है तो काउंसलिंग के द्वारा समझ में आता है कि दहेज पूरे केसों में दहेज की बात नहीं होती है, कुछ केस रहते हैं दहेज के, लेकिन ज़्यादातर केस में दहेज प्रताड़ना नहीं होती है। उनमें जो मुख्य रूप से होता है आपसी सामंजस्य का न होना, लेकिन आवेदन में लोग दहेज का ही नाम दे देते हैं।